नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दबाजी क्या है? आखिर वो एक देश एक चुनाव क्यों करवाना चाहती है? यानी कि 5 सालों में होगा सिर्फ एक चुनाव, जिसमें लोकसभा भी चुनाव होगा और विधानसभा चुनाव भी होगा। और सबसे शॉकिंग, ये जो समिति बनाई गई है, इसमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को छोड़ के बाकी तमाम लोग जो हैं वो प्रो भाजपा हैं, यानी कि भाजपा के पक्ष में। और दूसरा मुद्दा आज न्यूज चक्र में आपके सामने, ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आप जानते हैं इसके खिलाफ कौन बोल रहा है? भाजपा सांसद गौतम गंभीर को इससे दिक्कत है, मगर जैसे मोदी जी ने कहा था ना, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खुद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बैठकर कमेंट्री तुम कर सकते हो, मगर इस तस्वीर पर तुम्हें आपत्ति है। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। शुरुआत मैं करवाना चाहूंगा दोस्तों एक देश एक चुनाव। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बाकायदा ये समिति बना दी है। सबसे शॉकिंग, इस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। और यही नहीं, इस समिति में गुलाम नबी आजाद हैं जो कि प्रो भाजपा हैं, पूर्व नेता विपक्ष हैं राज्यसभा के, मगर मौजूदा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल नहीं किया गया है। अधीर रंजन चौधरी को शामिल किया गया था, मगर उन्होंने अपना नाम वापस खींच दिया है। यह खत लिखा है और इस खत में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस समिति का सिर्फ एक मकसद है कि एक देश एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो देश पर थोपी जाए, विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। क्यों? क्योंकि ये समिति बनाने से पहले ही ये कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव राष्ट्र हित में है, यानी कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं चाहती है। आज ये सवाल उठ रहा है कि दोस्तों, कि क्या भारतीय जनता पार्टी देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है? याद कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, आज से कुछ महीनों पहले इनका बयान सामने आया था। ये पटना बिहार में आए थे और उन्होंने कहा था कि भाजपा को इतना मजबूत करो कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका वजूद खत्म हो जाए। आज भारत जैसे पेचीदा देश में एक देश एक चुनाव की सिफारिश करके कहीं ना कहीं इस देश के संघीय ढांचे पर वार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शक हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी तमाम क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहती है? आखिर बीजेपी चाहती क्या है? असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या एक देश एक चुनाव लेकर आया है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा उन तमाम लोगों पर जो इस समिति का सदस्य हैं। बहरहाल, इस समिति से अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया है। रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति, इनका क्या काम है भाई? देश के गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा गुलाम नबी आजाद, एन के सिंह जो कि एक्स चेयरमैन है 15वें फाइनेंस कमीशन के, हरीश सालवे सीनियर एडवोकेट प्रो बीजेपी हैं, सुभाष सी कश्यप, इनके तमाम लेखों को आप देखिए, आप समझ जाएंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इनका झुकाव है। संजय कोठारी, पूर्व सीवीसी, इनका भी किस तरफ झुकाव है सब जानते हैं। और अधीर रंजन चौधरी थे और उन्होंने मना कर दिया है। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं कि इस समिति का क्या फायदा जहां इसमें पूरी तरह से भाजपा समर्थक भरे हुए हैं? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी एक जमाने में भाजपा नेता थे। जब तक वो राष्ट्रपति रहे उन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के कार्यों पर सवाल उठाया हो या अपनी आपत्ति दर्ज की हो। तो ये तमाम जो नाम यहां पर शामिल किए गए, और सबसे शॉकिंग,
राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जगह नहीं है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गुलाम नबी आजाद को यहां जगह दी गई है। आज विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि एक देश एक चुनाव कहीं ना कहीं देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। सबसे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का बयान, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज एन अटैक ऑन द यूनियन एंड ऑल इट्स स्टेट्स। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, एक मेल है तमाम राज्यों का, वो तमाम राज्यों की अपनी एक पहचान है जो देश की पहचान को निर्धारित करती है। इस देश की खूबसूरती है कि इतने राज्य हैं दोस्तों, और इतने राज्यों की अपनी एक शख्सियत है, अपना एक किरदार है। और जब आप एक भाषा या एक चुनाव में पूरे देश को पिरोने की कोशिश करते हैं तो यह ढेरों समस्याएं पैदा करता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि विपक्ष इस पर लगातार अपने तेवर सख्त कर रहा है। आपकी स्क्रीन्स पर असदुद्दीन ओवैसी, और असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। सबसे पहला बयान, दिस इज द नोटिफिकेशन अपॉइंटिंग द कमिटी दैट विल लुक इनटू वन नेशन वन इलेक्शन, इट इज क्लियर दैट दिस इज जस्ट अ फॉर्मैलिटी एंड द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू गो अहेड विद इट। वन नेशन वन इलेक्शन विल बी अ डिजास्टर फॉर मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। वो कह रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र बनता है कई पॉलिटिकल पार्टी से, ये एक मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इस देश में निहित है इसका संघीय ढांचा, और ये इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक होगा, कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि कल को यानी 2024 में अगर मोदी चुनाव जीत जाते हैं तो वो जनता के खिलाफ अपनी नीतियों को जारी रखेंगे एक देश एक चुनावों के जरिए। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, जब 5 सालों में चुनाव होते हैं, बीच बीच में चुनाव होते हैं, तो सरकार पर एक दबाव रहता है, सरकार पर एक प्रेशर रहता है। सरकार अगर कोई अनर्गल कदम उठाती है और उसके बाद किसी राज्य का चुनाव हार जाती है तो उसे यूटर्न लेना पड़ता है। आपने देखा होगा जैसे ही राज्यों के चुनाव आ रहे होते हैं, भाजपा जो है वो पेट्रोल के दाम कम कर देती है, अगर वो कहीं राज्यों में चुनाव हार जाती है तब भी वो नरम हो जाती है। अब सोचिए 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होंगे तो ये सरकार तो अपने मनमर्जी से जो मर्जी करती रहेगी, क्योंकि सरकार के कदमों की समीक्षा करने का कोई जरिया नहीं होगा। ये जो तमाम बीच में राज्यों के चुनाव होते हैं उससे सरकार पर एक अंकुश होता है कि सरकार कम से कम लगाम में रहती है, जनता के लगाम में रहती है, विपक्ष उससे सवाल करते रहता है। और सबसे बड़ा सवाल, एक देश एक चुनाव कैसे होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यों के चुनाव पूरे 5 साल में छितरे हुए हैं, फैले हुए हैं। अब मान लिया कि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन होता है और 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ कई राज्यों के चुनाव हो जाते हैं, मगर ऐसे कई राज्य हैं जहां पर 2 साल पूरे हुए होंगे या 2.5 साल पूरे हुए होंगे, क्या उनके कार्यकाल को भी बीच में काट दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा ताकि एक देश एक चुनाव कराया जा सके? अभी ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब मोदी सरकार के पास नहीं हैं और होने भी नहीं वाले हैं। जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार आलोचनाओं से घबराई हुई है और इन आलोचनाओं पर जनता उन पर लगाम लगाती है चुनावों के जरिए, वो चुनाव जो इन 5 सालों में होते रहते हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक राज्य में एक सरकार 5 साल के लिए आती है, मान लिया ना, अब सोचिए अगर 2 या 2.5 साल के बाद वो सरकार गिर जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या हो जाता है एक देश एक चुनाव का? यानी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर मनमानी करना चाहती है और उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों आज न्यूज चक्र में मैं दूसरा मुद्दा लेकर आया हूं, भारत और पाकिस्तान की ये तस्वीर जिसमें विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हंसकर बात कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। आप जानते हैं इस तस्वीर को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुई है,
गौतम गंभीर जो कि भाजपा के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह से हंसने की जरूरत नहीं है, कम से कम बोलता है हिंदुस्तान की इस खबर पर विश्वास किया जाए। अगर ये खबर झूठी भी है ना दोस्तों, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि न्यूज 18 के कार्यक्रम में गौतम गंभीर ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी हमले करवाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, या तो मोदी सरकार एक नीति बना ले, स्टेट पॉलिसी बना ले कि पाकिस्तान के साथ कोई मैचेस नहीं होंगे, आप ये नीति बना लीजिए, उसको सब फॉलो करेंगे, मगर ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं। ये देखिए, गौतम गंभीर वसीम अकरम के साथ बैठकर कमेंट्री दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये भाई साहब तो मालपुआ खसूट सकते हैं कमेंट्री देकर, वो भी वसीम अकरम के साथ बैठकर जमकर कमाई कर सकते हैं, और आपको ये नसीहत दी जाती है। क्या नसीहत दी जाती है कि साहब भारत और पाकिस्तान में मैच नहीं होना चाहिए, विराट कोहली पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हंसकर क्यों बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के दो किरदार हैं, एक उनका ISI उनकी आर्मी, और एक उनके लोग। लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खेल भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है ना दोस्तों, तो उसका रोमांच ही अलग होता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों, ये वीडियो देख रहे हैं, ये लड़की पाकिस्तानी है, वो भारत और पाकिस्तान का मैच देखने आई है, मगर जानते वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि मैं विराट कोहली की फैन हूं, बाबर आजम से ज्यादा पसंद उसे विराट कोहली है, और वो विराट कोहली को अच्छा खेलता हुआ देखना चाहती है। ये पाकिस्तान की लड़की है। सोचिए अगर भारत में किसी भारतीय लड़की ने बाबर आजम की तारीफ कर दी होती, आप जानते हैं उसका क्या हश्र होता। इसी वीडियो में इस लड़की के पास एक पाकिस्तानी बुजुर्ग आके जो है ज्ञान देने लगता है कि तुम भारत की तारीफ क्यों कर रही हो, तो आप जानते हैं लड़की क्या कहती है, ये लड़की कहती है कि पड़ोसियों से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। कितनी खूबसूरत बात इसने कही है। ये लड़की आईना दिखा रही है भारत के अंदर गौतम गंभीर जैसे लोगों को जो नफरत की बात करते हैं, मगर हां वसीम अकरम के साथ बैठ के कॉमेंट्री भी देते हैं और इंडिया पाकिस्तान मैचेस में अपनी राय भी देते हैं। इसीलिए मोदी जी ने क्या कहा था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। शर्म की बात है दोस्तों, ये दोहरे मापदंड, जनता के लिए कुछ और, नेताओं के लिए कुछ और, हुक्मरानों के लिए कुछ और, वोटर के लिए कुछ और, ऐसा नहीं चलेगा साहब। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करना है तो पॉलिसी बना लो, मगर यह भी जानते हैं कि इसका नुकसान भारत को होगा, क्योंकि जब वर्ल्ड कप के मुकाबले होंगे तो जाहिर सी बात है भारत ये रुख अख्तियार नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, यानी कि इन्हें धंधा भी करना है और अपनी नफरती राजनीति भी, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।